वही धर्म और आस्था की कही जाने वाली नगरी काशी का इस श्रावण मास में एक अलग ही महत्व होता है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि काशी में जो भी महादेव के दर्शन करने के लिए आता है वो मोक्ष की प्राप्ति जरूर करता है। ऐसे में सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो गया है। काशी के मंदिरों में भी जलाभिषेक करने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं और बाबा के दर्शन कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काशी में नहीं, उसके मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। केवल काशी के स्थानीय लोग ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक जो कार्यक्रम है वहां आयोजित किया जा रहा है। तो श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, चूंकि काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर भगवान शिव कहते हैं कि बड़े त्रिशूल पर बसी काशी सावन के रूप में एक अलग ही छवि बिखेरती है, एक मनमोहक छवि वहां पर होती है और काफ़ी सारे लोग यहां भारी संख्या में उमड़ते हैं। लेकिन इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इन सारी जो चीज़ है, भगवान के मंदिर के प्रवेश पर भी है जो पाबंदियां लगा दी गई है, बाहर से आने वाले किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो वहीं पर रहवासी है, वहीं के रहवासी है, उन्हें वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गेश संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेश, चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार जो है काशी में काफी सारे लोगों श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर पाबंदी लग चुकी है, तो फिलहाल क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह का जो श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है? जी आरती, मैं बता दूं कि काशी व नगर इधर जहाँ लोग आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाखों देश के कोने कोने से लोग आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, लाखों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुआ करती थी। लेकिन इस बार प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया है और यहाँ का जिला प्रशासन मना कर दिया कि अदर जिलों से आने के लिए यहाँ पे मनाही कर दिया गया है कि अगर लोग ना आए तो जो भी यहाँ के लोग स्थानीय है वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, लेकिन वो भी प्रोटोकॉल के तहत, और जो भी मंदिर में जाएगा दर्शन करने के लिए शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने दिया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वहां के किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा वहां पे बिल्कुल मुस्तैद है। और यहाँ का अभी कुछ ही समय बाद यहाँ पे आए थे दीपक अग्रवाल जो यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ का निरीक्षण किए हैं, जो कि पहला संवाद काफी में कल पड़ रहा है उसको लेकर यहाँ की सुरक्षा का जायजा लिए हैं और कोविड के प्रोटोकॉल का भी उन्होंने बखूबी पालन करने के लिए जिला प्रशासन को कहा है। जी आरती। जी दुर्गेश, चूंकि ये भी जानना चाहूंगी कि आगामी जो कार्यक्रम है उनका क्या कुछ रहेगा आयोजन? जी दुर्गेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आरती, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। जी दुर्गेश, जानना चाहूंगी आगामी जो कार्यक्रम है उनका कैसे आयोजन होगा और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किन किन जो वहां पर लोग श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? जी आरती, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे जिला प्रशासन तो पहले ही गाइडलाइन दे चुका है, कोविड के तहत लोग दर्शन करेंगे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी तो कोविड प्रोटोकॉल है। लेकिन जो बाहर से आएंगे, जिला प्रशासन ने बताया कि जो भी यहाँ पे बाहर से आएंगे वो NTPCR जांच लेकर आएंगे, उन्हीं को दर्शन कराया जा सकता है, जलाभिषेक कराया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो घाट है, घाट जो 84 घाट है, वहाँ पे लोग लेकर आते थे, जलाभिषेक करते थे, वहाँ पे भी कोविड के नियमों का पालन कराया जाएगा। और जो भी श्रद्धालु जाएंगे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये वहाँ पे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। जी आपकी। जी दुर्गेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और काशी में इसका एक अद्भुत ही संयोग देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोरोना की पालना करते हुए वहां पहुंच रहे हैं। दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक का जो दौर है वो जारी है।